रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, आपका आकलन क्या है? अगर संयुक्त नेतृत्व की बात करके विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में बीजेपी लड़ी है तो उसका उसको फायदा मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आंकड़े इस तरह से आ रहे हैं, फायदा नुकसान की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं कि कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? कल 12 बजे के पहले हम सबको, सभी लोग आशावादी हैं, सब जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात जो कहता हूं हमेशा, कभी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ संगठन की वीकनेस नहीं बननी चाहिए। इसलिए मेरा मानना होता है कि संगठन मेन होता है, संगठन की स्ट्रेंथ संगठन को कमज़ोर व्यक्ति के नाते नहीं करना चाहिए। तो जो पार्टी बहुत आगे तक जाएगी, कांग्रेस भी एओ हूम के ज़माने की 1800 कुछ की पार्टी है, तो वो पार्टी संगठन के नाते है, कोई भी उसमें जिंदा नहीं है, ना कोई बीजेपी में रहेगा। तो मेरा ये कहना कि संगठन को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए, चेहरे भी उसमें होते हैं, सोने में सुहागा जैसे मैं कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, रामकृपाल जी, लीडरशिप काउंट करती है, चेहरे भी होते हैं जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी में ये खास बात रही शुरू से कि उसके पास चेहरे रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में भी। क्यों अभय दुबे जी, चेहरे मजबूत रहे, छत्रप उसके मजबूत रहे अलग अलग राज्यों में, अब अगर नहीं है तो इस मजबूरी को तो नहीं बीजेपी स्ट्रेटजी नाम दे रही है? आपका इस पर क्या आकलन है, क्या कहना चाहेंगे? रामकृपाल जी हमारे वरिष्ठ हैं और आदरणीय हैं, उन्हीं की अगर भाषा का मैं इस्तेमाल करूं तो भाजपा में सोना तो है लेकिन सुहागा नहीं है, उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं कहना चाहता हूं। देखिए, पार्टी और नेता का संबंध गर्भनाल का संबंध होता है। ये कहना कि पार्टी रहेगी नेता नहीं रहेगा, या नेता को उतारने से पार्टी कमजोर दिखेगी या पार्टी का महत्व कम हो जाएगा, ये गलत बात है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई तर्क नहीं है इसके पीछे। हर पार्टी नेता उसकी नुमाइंदगी करता है, जनता नेता के चेहरे में पार्टी का आईना देखती है, इसी तरीके से सब लोग आगे बढ़ते हैं, यही होता है। अभी एक नया हथकंडा निकाला गया है कि जहां पर आप प्रधानमंत्री को कोई मुख्यमंत्री पसंद है तो वहां तो भूपेंद्र और नरेंद्र हो जाते हैं, लेकिन जहां जो मुख्यमंत्री पसंद नहीं है उन सबको हाशिए में डाल दिया जाता है। तो ये सब जो होता है हम सब लोग इसको जानते हैं और इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये संयुक्त नेतृत्व की बात कही जा रही है, ये सिर्फ एक आवरण है, ये केवल नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और कोई संयुक्त तो इसके पीछे नहीं है, एक ही व्यक्ति है। संयुक्तपन को संयुक्तता कहते हैं, मिला जुला नेतृत्व ये नहीं है। अगर मिला जुला नेतृत्व होता गुजरात में चुनाव लड़े थे तो मिले जुले नेतृत्व में लड़े थे, प्रधानमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। डॉक्टर अजय आलो, क्या ये एक आवरण है? देखिए, मैं एक दो बातें बस बताऊंगा आपको। हमने इन चुनावों में अपने सांसद उतारे, अपने केंद्रीय मंत्री उतारे, क्योंकि पार्टी को लगा कि केंद्रीय मंत्री बड़ा चेहरा होता है, सांसद बड़े चेहरे होते हैं, एक संसदीय क्षेत्र में 6-6 विधानसभा, 5-5 विधानसभा आती है, तो उनके लड़ने से अलग अलग विधानसभाओं में असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री उतरता है चूंकि वो काम किया है, अपने क्षेत्र में काम किया, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो ये पार्टी की मजबूती के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी हमने विधानसभा चुनाव में उतारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहते थे कि हमें हर राज्य में चुनाव जीतना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। अब जरा मुझे आप बता दीजिए, क्या दिग्विजय सिंह के लिए मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उन्होंने लड़वा दिया, हमने मना किया था? कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेताओं को जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं, उनको क्यों नहीं लड़वाई चुनाव, जहां जहां से सीट हारने की फीडबैक मिल रही थी? तो ये आपका संगठन है, ये हमारा संगठन है। अब उसमें आप कहेंगे कि नहीं, ये अलग अलग कलाबाजी खा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी का तो नेतृत्व केंद्र में है ही है, वो प्रधानमंत्री है ही है, लेकिन जब हमारी रणनीतिक बैठती है तो सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी निर्णय नहीं लेते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के 5-6 ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तब उसके बाद एक विषय लाया जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास अनेक नेता है, किस नेता को कहां यूज करना है ये हमारा प्रेरोगेटिव है। ठीक है, ये उनका सर्वाधिकार सुरक्षित है उनके पास, आपको क्या दिक्कत है इसमें? सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से आप। हमें कहाँ को है मुस्कुराना, तो सेहत के लिए अच्छा होता है अखिलेश भाई, हम अजय भाई की तरह कुड़ थोड़ी रहे, हम तो चाहते हैं, हम तो जानते हैं कि हम लोग खुश हैं। ऐसा होता है, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की, हाँ ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ये लोग अब समंदर के बीच में तैरते रहें, कभी मोदी जी पे भ्रम में आ जाते, कभी अपने चेहरों पे भ्रम में आ जाते रहे। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी 200 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, इसमें आप चिंता ना करिए, दिग्विजय सिंह जी ने कार्यकर्ता सहित और किसके चुनाव लड़ने से किसको फायदा हुआ नहीं हुआ, सर बहुत जल्द पता चलने वाला है, कुछ घंटों का बस इंतजार है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।